क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रन्स मेड बाय टू टीम्स ए एंड बी इन अ 10 ओवर दैट इज 60 बॉल मैच इज गिवन बिलो। आपके सामने एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें दो टीम खेल रही हैं, एक टीम है ए और दूसरी टीम है बी, ठीक है। दोनों टीम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और कितने ओवर का मैच हो रहा है, 10-10 ओवर का। 10 ओवर यानी कितने बॉल, 60 बॉल। आप सब जानते हैं कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, ठीक है। तो 10 ओवर का मैच हुआ जिसमें 60 बॉल हर टीम के प्लेयर खेलते हैं, हर टीम 60 बॉल्स खेलती है, ठीक है। तो टीम ए ने कितने बॉल में कितने रन बनाए और टीम बी ने कितने बॉल में कितने रन बनाए, इसका एक टेबल हमको दिया गया है और वो टेबल आपके सामने ये है, ठीक है ना। दिस इज क्लासेस फॉर नंबर ऑफ बॉल्स, दिस इज फॉर टीम ए, दिस इज फॉर टीम बी, समझ आया, ठीक है ना। ये टीम ए का क्या चीज है, रन स्कोर, कि टीम ए कितने बॉल में कितना रन बनाती, दिस इज रन, समझ गए। ये टीम बी का बनाया हुआ रन, ऐसे समझिए। देखिए 1 से 6 बॉल में, अब ये सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये क्लासेस किस टाइप की हैं, इंक्लूसिव हैं कि एक्सक्लूसिव हैं, फिर हम आगे की बातें बाद में करेंगे। कैसी हैं, इंक्लूसिव, कैसे पहचाने, बोलिए। एक क्लास का अपर लिमिट अगले वाले के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये क्लासेस कैसी हो गई, इंक्लूसिव क्लासेस हो गई, ठीक बात। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए ना, इंक्लूसिव है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों काउंट होगा एक क्लास का, होता है ना। तो 1 रन से 6 रन, ये बॉल है ना, 1 बॉल से 6 बॉल में टीम ए कितना रन बनाती है, समझ रहे हो ना। टीम ए 1 से 6 बॉल यानी एक ओवर हुआ, 1 से 6 बॉल यानी कितने ओवर हुए, बोलिए। 6 गेंद का ओवर कितना होता है, एक ओवर, 6 बॉल में एक ओवर हो जाता है भाई ना, दिस इज नंबर ऑफ बॉल्स। तो एक बॉल से लेके 6 बॉल तक टीम ए खेलती है और कुल कितना रन बनाती है, 3 रन। 6 गेंद का एक ओवर होता है तो इसको हम एक ओवर मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं, एक ओवर। तो टीम ए एक ओवर में कितना रन बनाती है, 3 रन, और टीम बी, टीम बी कितना बना रही है उसी एक ओवर में, हाँ 6 रन बना रही है टीम बी, समझ आया, आया। फिर ये दूसरा ओवर स्टार्ट हो गया ना, ये दिख रहा है ना आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर एक में डिफरेंस कितने का है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो कितना हुआ, 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5, हर जगह क्लास इंटरवल कितने का है, 5 का है, ठीक है ना। लेकिन बॉल 6-6 होंगे सब में, क्योंकि ये किस तरह की क्लासेस हैं, इंक्लूसिव, तो लोअर लिमिट भी काउंट होगा और अपर लिमिट भी काउंट होगा, तो हम 1 को भी काउंट करेंगे और 6 को भी काउंट करेंगे, और 1 और 6 के बीच में जितने बॉल आएंगे सबको काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए, 6 बॉल हो गए। इसी तरह 7 भी काउंट होगा, 12 भी काउंट होगा, तो गिनो 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने बॉल हो गए, 6। यानी हर क्लास में कितने कितने बॉल हैं, 6-6, और 6 बॉल का एक ओवर बनता है, यानी ये सब क्या है, एक एक ओवर, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो मैं एक एक ओवर बोलूंगा तो चलेगा, समझ में आएगा। ये है पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 10 ओवर का मैच ही हो रहा था, समझ रहे हैं ना। तो पहले ओवर में टीम ए ने कितना रन बनाया, 3, और टीम बी ने कितना बनाया पहले ही ओवर में, 6 रन, समझ आया। दूसरा ओवर यानी 7 बॉल से लेके 12 बॉल तक टीम ए कितना रन बनाती दूसरे ओवर में, 2 रन, और टीम बी कितना बनाती दूसरे ओवर में, 6 रन, समझ में आ रहा है। इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ओवर जब खेला जाता है तो सातवें ओवर में टीम ए कितना रन बनाती है, 5, और टीम बी कितना रन बनाती है, 3 रन। ये समझ में आया, ये 10 ओवर का पूरा डाटा हो गया, दोनों टीम के बनाए हुए रन्स हो गए, समझ गए, समझे कि नहीं, समझे ना। ये क्या चीज है, रन्स, ये भी क्या चीज है, रन्स मेड बाय टीम बी, दीज आर रन्स मेड बाय टीम ए, यहां तक समझ गए। आप क्वेश्चन पे आइए ना, हाँ, इस टेबल के जस्ट बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यूज द अबव डाटा, मेक ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन 1 ग्राफ पेपर,
ठीक है ना। और हिंट दिया है फर्स्ट में क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, कौन सा ग्राफ बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके लिए हम बेसिक में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जाएगा क्लास इंटरवल कैसी रखनी होगी हमको, सेम, ठीक है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का क्या मतलब होता है, किस तरह की क्लासेस, किस तरह की क्लासेस, अरे बोलोगे कुछ मुंह खोल के, एक्सक्लूसिव टाइप की क्लासेस, उसको कंटिन्यूअस क्लास बोलते हैं। समझ आया? ओके, तो सबसे पहले हमको इसको कंटिन्यूअस क्लास में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। समझ आया? अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो थोड़ा सा याद दिलाइए मुझे और बताइए आप याद करके कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको क्लासेस चाहिए होती हैं या क्लास मार्क चाहिए होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम बनाना होता तो हमको क्या चाहिए था, क्लासेस। क्लासेस तो दी हैं, एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेते हैं। समझ आया? आया, आ रहा है? लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क हम निकाल सकते हैं, क्लास मार्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास क्या करना पड़ेगा, क्लास को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं बोलिए, तरीका आता है आपको एक्सक्लूसिव बनाने का, मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, आप अलग से बनाएंगे, आप बहुत हड़बड़ा रहे थे बनाने के लिए, बना लिए क्या, टेबल बना लिए ना, बना लिए ना, बना लिए होंगे तो फिर से बनाइए, मॉडिफिकेशन करिए, और नहीं बनाए हैं तो फिर आप यही मॉडिफाई कर लीजिए, या बना लिए हैं तो बगल में जगह हो तो यहाँ मॉडिफाई कर लीजिए, नहीं है तो इधर लिख लीजिए एक कॉलम बना के, जैसे आपको जहाँ लिखना है वहाँ लिखिए। ये समझ आया? आया, स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास बनाने जा रहे हैं। समझ गए? समझ गए बोलिए, ठीक है, ओके। कैसे करते हैं, तो एक्सक्लूसिव क्लास बनाने का तरीका देखिए, एक क्लास का अपर लिमिट, नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट, दोनों में कितने का डिफरेंस है, वन, उसको हाफ कर दीजिए, कितना हो गया, वन को हाफ करेंगे तो 0.5, सब लोअर लिमिट में 0.5 घटा दीजिए और हर एक के अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। समझ आया? तो ये क्लासेस मॉडिफाई हो जाएंगी और क्या बन जाएंगी, एक्सक्लूसिव क्लासेस। बना लें जल्दी से, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ ना, वन में हम 0.5 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 0.5। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि ये क्लास पहले कैसी थी, आप चाहें तो आपके देखने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, दिस इज 1 to 6, और इसमें हम जोड़ देंगे 0.5 तो ये कितना हो जाएगा, 6.5। समझ रहे हैं? दूसरी क्लास है हमारी 7 से 12, ये इंक्लूसिव है, और अब मैं बना रहा हूँ एक्सक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव क्लासेस पुरानी वाली, इसमें 0.5 घटाइए कितना हो जाएगा, ये 7 में आधा घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 6.5, 6.5, दिस इज 6.5, ठीक है। ये पुराना वाला हमारा 13 से 18, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5, इसमें 0.5 घटाएंगे तो 12.5, और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 18.5, ठीक है। अगला क्लास था हमारा 19 से 24, 0.5 घटा दिए लोअर लिमिट में 18.5, और इसमें 0.5 जोड़ दिए 24.5। अगला क्लास हमारा है 25 से 30, तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो 24.5 एंड दिस इज 30.5। नेक्स्ट क्लास इज 31 से 36, इसमें 0.5 हम घटाते हैं 30.5 और इसमें जोड़ देंगे 0.5 तो 36.5। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए बनाते चलिए जल्दी से। 37 से 42, ठीक है, हाँ, इसमें हम 0.5 घटाएंगे, दिस विल बी 36.5 एंड दिस इज 42.2। नेक्स्ट इज 43 से 48 था, इसमें 0.5 घटा दिए 42.5 एंड दिस इज 48.5। 0.5 हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ये 2 नहीं है ना, मिस्टेक से लिखा गया, दिस इज 5, 0.5 ऐड कर रहे हैं, दिस इज 0.5, ठीक है, कहीं लिखने में मैं मिस्टेक करूँगा तो बताइएगा। अगला है 49 से 54, सो इसमें 0.5 घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 48.5 एंड दिस इज 54.5।
ये इसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं 54.5 एंड 60.5, ये हो गया। ये पुराना वाला क्लास इंटरवल था, अब वो किस में चेंज हो गया, एक्सक्लूसिव में, ठीक है, बन गया इक्वल क्लास इंटरवल, ये हमने चेंज कर लिया, समझ आया। लेकिन हमको ग्राफ कैसा बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमको क्लास चाहिए या इनके बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू चाहिए, क्लास मार्क। तो हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। तो आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप यहाँ पे एक टेबल बनाइए क्लास मार्क का, मैंने यहाँ अपने लिए जगह बचा रखी थी तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्लास मार्क, समझ गए। आपके पास जगह नहीं है तो आप साइड में बना लीजिए, जहाँ भी आपको जगह है वहाँ पर आप बना लीजिए। तो हमको क्लास मार्क निकालना है, तो एक कॉलम मैं यहाँ दे देता हूँ क्लास मार्क्स, जिसको मिड वैल्यू बोलते हैं। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क आप जानते हैं कैसे, अब हमारी क्लासेस ये है ना रेगुलर कंटिन्यूअस, ठीक है, कैसे निकलेगा क्लास मार्क, बोलो बोलो जल्दी कैसे निकलेगा जल्दी बोलो बोलो जोर से, हाँ, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या करना है, प्लस करना, फिर टू से डिवाइड करना, लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़िए, टू से डिवाइड करिए, सब में जो भी आता है लिखते जाइए। तो एक बताइए मुझे, 6.5 और आधा कितना हो जाएगा, 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना होगा, 3.5, तो इसको हम लिखेंगे 3.5। फिर से 12.5 और 6.5, देखो 12.5 और आधा कितना हो गया, 13 और 6, 19 को आधा कर दीजिए 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा, 9.5। अब देखो ना, ये रेगुलर क्लास इंटरवल थे, हर जगह था ना भाई, कितने का डिफरेंस था, 5-5 का, देखो ना 5-5-5-5 हर जगह क्लास इंटरवल कितने का था, 5-5 का था। तो इसमें भी क्लास इंटरवल कितने का होगा, हर जगह 5-5 का होगा। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आप देखो ना, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, कितने का है, हाँ ना, यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने का हो गया, 6 का हो गया क्या, देखो तो जरा चेक करके, 6.5 में 0.5 घटा दो, 5 में से 5 गया 0, ये 6 का हुआ ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया हमारा क्लास इंटरवल, क्लास साइज। तो यहाँ हर जगह क्लास साइज कितने का है, 6 का, तो यहाँ भी हर जगह क्लास साइज कितने का मिलेगा, 6 का। 3.5 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9.5, इसमें 6 जोड़ देंगे तो अगले का आ जाएगा, समझ रहे हो। आप चाहे ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकालो या यहीं से डायरेक्ट ट्रिक पकड़ के निकालो, मैं निकालूं 3 में 6 जोड़े 9 हो गया, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, तो इसका पक्का 15.5 आएगा, आप जोड़ के 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, आता है, आएगा। फिर 15 में 6 जोड़ो कितना, बोलो ना 21.5, फिर इसमें 6 जोड़ो 27, फिर इसमें 6 जोड़ो 33.5, फिर 6 जोड़ो इसमें 39.5, फिर से 6 जोड़िए ये, फिर 6 जोड़ो इसमें 51.5, फिर से 6 जोड़िए 57.5, ये आ गया आपका क्लास मार्क, समझ आया। अब ना हमको इससे मतलब है, ना हमको इससे मतलब है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, ये और ये। एक बार हम टीम ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, एक बार टीम बी के लिए बनाएंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एक ही ग्राफ में बनाना है, एक ही ग्राफ पेपर में, सिंगल ग्राफ पेपर में दोनों टीम के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, यानी दो ठो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में बनाना है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, यूज द अबव डाटा, मेक ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन वन ग्राफ पेपर, समझ गए, समझे, बोलो बोलो समझे, समझ गए। स्टार्ट करें बनाना। अब आप अपना ग्राफ पेपर उठाइए और एक्स एक्सिस में हम क्लासेस दे देंगे, दीज आर क्लासेस, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ बॉल्स है ना, नंबर ऑफ बॉल्स ही बनाना, मिड पॉइंट्स, और ये क्या है, रन्स, एक तरफ रन दे देंगे टीम ए और टीम बी, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग कलर की पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, हालांकि पेंसिल तो एक ही कलर की होती है, लेकिन उसमें डार्क चलने वाला और लाइट चलने वाला, इस तरह की पेंसिल्स यूज करके हम बना सकते हैं, समझ रहे हो, या एक लाइन को हम लोग डार्क कर देंगे और एक लाइन को डैश कर देंगे, समझ रहे हैं।
दो ग्राफ बनाना है ना, तो एक ग्राफ को हम डार्क से बना लेंगे या स्ट्रेट लाइन से बना लेंगे, और एक लाइन को डॉटेड लाइन से बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, या एक लाइन को डार्क बना लेंगे सीधा खींच के स्केल से, और एक को फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे कर्व टाइप का। समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। जैसा हमको अप्रोप्रिएट लगेगा वैसा हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस और ये ले रहे हैं एक्स एक्सिस, एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे बोलिए, क्या? क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या चीज है? नंबर ऑफ बॉल्स, समझे ना। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्लास मार्क्स, जो कि क्या चीज है? नंबर ऑफ बॉल्स। और वाई एक्सिस में क्या रखना है? दिस इज रन्स, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पर ऊपर मैं रन लिख देता हूं, रन्स, टीम ए के लिए भी बन जाएगा, टीम बी के लिए भी बन जाएगा। समझ आया? आप इसको देखिए ना, एक्स एक्सिस में हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, कैसे कैसे रखना है, 3.5, फिर 6-6 का इंटरवल देना है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट लिखा जा सकता है, डायरेक्ट, ठीक है। चूंकि हम लोग फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि पहली लाइन जो आएगी उसको क्या करना है? छोड़ देना है, नंबरिंग उसके बाद वाली लाइन से देना है। समझ रहे हो ना बात? इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद जो है एक स्क्वायर छोड़ दीजिए, दूसरे स्क्वायर से ये आप अलॉट करना शुरू करिए। दिस इज 3.5, अगला 9.5, अगला 15.5, 21.5, 27.5, फिर 27 के बाद 33.5, फिर 39.5, 45.5, 51.5, 57.5, अलॉट हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे बनाना है? एक्स एक्सिस में दे दिया हमने क्लास मार्क और नंबर ऑफ बॉल्स, वाई एक्सिस पर देखिए मैक्सिमम डाटा कहां तक जाता है और मिनिमम कहां से शुरू होता है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कौन सा नंबर है इसमें? 11। इसमें भी चेक कर लो, मिनिमम 1 और मैक्सिमम कहां तक जाता है? 11। तो हमको 1 से लेके 11 तक देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दे देते हैं, समझे ना। चलिए, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये समझ गए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सोच समझ के बनाएंगे ना, दो ग्राफ हमको बनाने हैं। अब बनाना कैसे है वो सुनिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्लास मार्क तो एक्स एक्सिस में अलॉट हो गया, वाई एक्सिस एक बार इसके लिए बनाएंगे, तो एक ग्राफ इसके लिए बन जाएगा, है ना। तो ये और ये मैच करके पॉइंट्स बनाते जाइए, ग्राफ बना लीजिए। उसके बाद इसको और इसको, एक्स में तो यही रहेगा, अब वाई में ये आ जाएगा, टीम बी के लिए ग्राफ बनेगा। तो इसको और इसको मैच करेंगे, टीम बी और एक्स एक्सिस, इनको मैच करके पॉइंट्स खोज के ग्राफ बना लेंगे। समझ आया? चाहे तो आप पेंसिल अलग यूज़ कर लीजिए, डॉटेड लाइन यूज़ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लीजिए, कर्व यूज़ कर लीजिए, जैसे बनाना है बना लीजिए। समझे? समझे नहीं समझे? समझ में आ रहा है? स्टार्ट करें बनाना। तो पहले मैं टीम ए के लिए बना रहा हूँ और ये है क्लास मार्क। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। 3.5 की हाइट कितनी होनी चाहिए टीम ए के लिए? 3, ये हाइट है ना, वाई एक्सिस में रखे हैं रन को, तो हाइट है, ये क्लास है, तो इस क्लास की हाइट कितनी होगी? 3। पॉइंट कहाँ पे आएगा? 3.5 की हाइट, मैं ब्लू पेन से इसको बना रहा हूँ ना, ब्लू से, आप कोई भी पेंसिल यूज़ करिए। क्या कह रहे हो? नहीं, पेन से मत बनाओ, मैं बताता हूँ उसका जुगाड़ बता रहा हूँ ना, आप उसी पेंसिल से बनाइए, उसी पेंसिल से बनाइए ना, पहले डार्क बनाते हैं, डार्क बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना, डार्क। समझ आया? टीम ए के लिए, टीम बी का जब बनाएंगे तो डॉटेड लाइन बना लेंगे, ठीक है। चलिए, डार्क लाइन के लिए तैयार रहिएगा। 3.5 की हाइट कहाँ ले जानी है? 3 तक। दिस इज 3.5 और हाइट ये 3, तो आप समझ रहे हैं कैसे बनाना है। ये लाइन आई होगी ग्राफ में
और ये लाइन आई होगी ग्राफ में, ये एक पॉइंट मिल गया, ये ठीक है, एक पॉइंट मिल गया, ठीक। 9.5 की हाइट कितनी रखनी है हमको, 2, दिस इज 9.5 एंड दिस इज 2, ये ऐसे, ये दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है ना। नाम भी रखते चलिएगा, इसका नाम हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, बी, और इसका नाम रख दे रहे हैं सी। उसके बाद 15.5 की हाइट 7, टीम ए की बात हो रही है, ठीक है, 7 तक ले जाइए इसकी हाइट, 15.5 की हाइट 7 तक, ए यहाँ तक ये जाएगा ऐसा, और ये ऐसा आएगा, ये वाली लाइन ये आ गई। सी के बाद इसको हम दे रहे हैं डी, बी सी डी। 21.5 की हाइट कितनी, ये 8 है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, समझ आ जाएगा, ठीक है ना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 11, और इसका 5, 8 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और ये है 8, ठीक है, अब ठीक है ना, ये 11 इसका है नीचे वाले का, 7 इसका, 4 इसका, और ये 3, और इस 8 के लिए क्या आएगा, 5, 3 के सामने 6, 8 के सामने 10, और 7 के सामने 1, चलो ठीक है, ठीक है ना। हाँ, कहाँ पर थे हम लोग, अब 21.5 की हाइट 8 ले जानी है, सो दिस इज 8, ये ले जाइए आप ऐसे, एंड दिस इज 21.5 की हाइट, ये है 21.5, और 8 वाली लाइन जहाँ मिले वहाँ पे पॉइंट ले लो, ठीक है ना, बी सी डी ई। 27.5 की हाइट 3 तक जाएगी, दिस इज 3, आप अपने हिसाब से बढ़िया से बनाइएगा, मैं अंदाज से बना रहा हूँ, डी ई एफ आ रहा है, 27 के ऊपर है कि और कहीं चला गया, खसक गया, थोड़ा सा उधर चला गया है, कोई बात नहीं, 27 वाले की हाइट यहाँ तक आ जाएगी, सपोज ये ई एफ लो, ठीक है। 33.5 की हाइट 8 ले जाइए, 33.5 की हाइट यहाँ पर आएगी 8 पर, दिस इज जी। 39.5 की हाइट 5 तक जानी है, ये 39.5 H, ठीक है। 45.5 की हाइट 11 तक जाएगी, 45.5 की हाइट सबसे ऊपर जाएगी 11 तक, ठीक है, दिस इज 45.5, ए ये आ गई 11 तक, दिस इज आई, ठीक है, जी एच आई। फिर 51.5 की 6 तक, दिस इज 6, और लगभग यहाँ पर आ रहा है मेरा, तो इसका नाम मैं जे रख देता हूँ। 57.5 की हाइट 2, तो 2 तो हमारा यहीं पे रहेगा, ये वाली हाइट लगभग 2 की हाइट है, ये के लो, हो गया, यहाँ तक बनाया, बनाए, बोलो। अब खाली हमको ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए डार्क लाइन यूज़ करिए, डार्क लाइन से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्केल रख रख के एक एक पॉइंट के बीच इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो कहाँ से ज्वाइन करें, पहले बी और सी को स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर लीजिए, बी और सी, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो बी से सी, फिर सी से डी ज्वाइन कर दो, फिर डी से ई, ई से एफ, इसलिए नाम रखते गए थे ना, एफ से जी, ये जी से एच, एच से आई, जे, आई से जे, जे से के। हाँ, क्या इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, क्यों, क्लोज नहीं है, तो क्लोज करने के लिए क्या करना है, जैसे ये मिड पॉइंट है, इससे एक पहले वाला मिड पॉइंट होगा,
होगा ना, पहले वाला भी मिड पॉइंट होगा ना, समझ रहे हो? हाँ, तो कितने पे जाएगा वो पहले वाला मिड पॉइंट, बोलिए पहले वाला मिड पॉइंट कितने पे जाएगा? इसमें कितने कितने का इंटरवल था? छः छः का, तो इससे छः पीछे चले जाओ, 3.5 में 6 घटा दीजिए, 3.5 में 6 घटा दीजिए, कितना आएगा? हाँ हाँ, 2 कहाँ से आएगा? ये ऐसे घटा देते हैं, 6, 5 में से 0 गया 0, है ना? या ऐसे तो घटेगा नहीं, 6 बड़ा है ये छोटा है तो घटेगा इसी तरह से, देखिए 6.0 में 3.5, 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया? 5 में से 3 गया 2, 2.5, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का, क्यों? क्योंकि इस पर साइन माइनस का है और ये पॉजिटिव है, ये समझ में आता है छोटी सी मैथमेटिक्स? तो अब ये निगेटिव साइन कहां पर आएगा बोलिए? ये अगर 0 है तो 0 के इस पार निगेटिव होगा या इस पार निगेटिव होगा? हाँ, तो आपको ना ग्राफ थोड़ा सा इधर खसकाना है, जगह बन जाएगा ना, सुनिए ना, ये वाई एक्सिस क्या करिए, यहां से मिटा दीजिए, और ये जो जगह आपने छोड़ा है यहां पे वाई एक्सिस बना लीजिए, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, क्या कहे? हाँ, तो ऐसा करिए, जिसको छोड़े हैं आप उसको वाई एक्सिस बना लीजिए, इसको मिटा दीजिए, समझ रहे हैं? समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि इससे पहले इसको ज्वाइन करने के लिए जब आप पीछे खींचेंगे तो सेम इंटरवल पर खींचेंगे, समझ रहे हैं? सेम इंटरवल पर खींचना है, और सेम इंटरवल कितने पे आएगा? माइनस 2.5 पर आएगा, और माइनस कहाँ होता है? अगर ये 0 है, ध्यान से सुनो, अगर ये 0 है तो 0 के उस पार सब पॉजिटिव होते हैं, इधर निगेटिव होते हैं, तो 0 के एक इधर वाला ले लो 2.5, इसको छोड़ दीजिए, आपका वाई एक्सिस यहां से आ जाएगा, सुधार लीजिएगा, तो ये वाली घर खाली हो जाएगी, है ना? तो यहां पर लिख देना 2.5, माइनस 2.5, और इसको माइनस 2.5 से ज्वाइन कर देना, समझे या नहीं समझे? मैं ही सुधार देता हूं इसमें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां से आपको वाई एक्सिस ले लेनी है, ऐसे वाई एक्सिस, ठीक है ना? ठीक है, इसको हम बना चुके हैं, पाँच 39.5, ठीक ना? ठीक, अपने हिसाब से आप इसको बना लीजिए, ये थोड़ा इधर आ जाएगा पीछे, और एक घर पीछे क्या ले लेंगे, इधर 0 होता है जहां से वाई एक्सिस स्टार्ट होती है, उससे थोड़ा सा पहले माइनस 2.5 होगा, समझ आया? आया, ये आ गया, और अब आपको क्या करना है, इसको यहां ज्वाइन कर देना है इसमें, और इसका नाम रख दीजिएगा ए, एक घर इधर ले लिए, ठीक है, एक घर उधर लेंगे, 57.5 में 6 और बढ़ाइए, सेम इंटरवल एक आगे लेंगे हम, जहां पर ये खत्म होता है एक और आगे लेंगे, बोलिए 6 आगे बढ़ाइए कितना होगा? 63.5, और इसको यहां जोड़ दीजिए, ये बन गया हमारा पॉलीगॉन, ठीक है, समझ आया? और यहां पर मार्किंग के लिए ऊपर में देखिए, हम यहां नोट कर देंगे, टीम ए के लिए हमने कैसी लाइन दिखाई है, डार्क, तो ऐसे एक डार्क लाइन यहां पे छोटा सा बना के छोड़ दो, टीम ए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क लाइन,
समझ आया? तो टीम ए के लिए ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, समझ आया? आया ना? आप टीम बी के लिए बना रहे हैं, तो टीम बी के लिए अब आप ये देखेंगे हाइट और ये है एक्स एक्सिस, समझ रहे हैं ना? हाइट पे अब ये देखना है, तो देखिए 3.5 की हाइट कितनी होनी चाहिए टीम बी के लिए? 6। तो इसको मैं रेड से बना रहा हूँ, अब आप इसको ध्यान से देखिए 3.5 की हाइट कितनी होनी चाहिए? 6। ये मिल गया पहला पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हो? इसका नंबरिंग देखो ना, कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, एन से लिखता हूं इसको मैं, दिस इज एन, ठीक है ना, एन से स्टार्ट कर रहा हूं। अगला, हाँ, 9.5 की हाइट 6, तो सेम 9.5 की हाइट भी कहां होगी, यहीं पर आएगी 6 पर, सेम पॉइंट, आपकी एक ही लाइन में ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखेंगे। देखो इधर आपकी ग्राफ कॉपी में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही लाइन में आएगा, ठीक है ना? मैं यहाँ भले टेढ़ा है, डब्लू रहने दो ना, नाम में क्या रखा है, कुछ भी रख सकते हैं ना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया। अच्छा, यहाँ देखो ये जुड़ गया सब डॉटेड लाइन से, अब 3.5 से एक सेम इंटरवल पीछे लेंगे 6 का, क्योंकि सभी के बीच 6-6 का डिफरेंस था सभी इंटरवल में, तो यहाँ भी 6 पीछे लेंगे, उधर 6 आगे लेंगे, तो इसको फिर से इसी पॉइंट पर हमको ज्वाइन करना है, सेम 2.5 पर, और ये भी सेम कहाँ पर जुड़ेगा, 63.5 पर। तो आप स्केल रख के ऐसे जोड़ लीजिए, ये बन गया ग्राफ। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, समझ आया? क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों ग्राफ बनाइए, आया समझ में? आया ना? तो बन गया दोनों ग्राफ, यहां ऊपर आप लिखेंगे टीम बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड लाइन, ये ऐसी, ठीक है, ये कलर यूज कर रहे हैं, आपको कलर से दिखा देंगे, हो गया ये, ठीक है, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4।